ये हो गया। अरे उतना सारा दे, अरे रुको लो काट लो कोई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज ना ब्लॉग की शुरुआत में फिर से शाम से कर रही हूँ, क्योंकि ना आज बहुत ही स्पेशल डे है, क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे है। तो ये ब्लॉग ना मैं एक दिन बाद भी आप लोग के पास भेज सकती थी, लेकिन जो है कहते हैं ना बहुत ज़्यादा फिर पुराना लगता, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज ही इसको पोस्ट कर देते हैं। तो जो है भी खाना वाना बन रहा है और इधर ना मसाला जो है वो भून रही थी, फिर मुझे याद आया चलो आपको के साथ ब्लॉग भी शेयर करते हैं। तो बस, और ये मसाला ना मेरा बहुत अच्छे से भून चुका है। मतलब आप लोग तो जानते हो कि मैं जब भी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं अपना स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे और जो है आँच पे ही थोड़ा थोड़ा करके मसाले को अच्छे से मतलब ढक ढक के पकाती हूँ। तो ये तो आप जो लोग मेरा ब्लॉग बहुत दिन से देख रहे होंगे वो लोग इतना तो जान ही होंगे। तो फिर उसके बाद ना एक साथ दो दो काम होते हैं, तो जब तक उधर मसाला भून रहा है तब तक यहाँ पे मंचूरियन की जो बॉल होती है ना वो बना रही हूँ। और एक आज ना क्या हुआ कि जो मंचूरियन की बॉल थी वो और दिन की अपेक्षा, जैसे और बार बनाते हैं ना थोड़ा छोटा बनाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज ना बॉल में चाह कर भी छोटा नहीं बना पा रही थी। मतलब जब छोटा बनाती तो मुझे ऐसा लगता था कि बड़ा छोटा हो रहा है, और जब मैं थोड़ा सा बड़ा होता लगता है बहुत बड़ा हो रहा है। मतलब फिर भी ना थोड़े बड़े बॉल बने थे। और इधर राजमा है ये, और आज राजमा ही बन रहा है क्योंकि अभी होली बीती है ना, तो होली में तो सबने छोले खाए थे, तो फिर से छोले फिर मज़ा नहीं आता, तो आज मैंने राजमा बनाया है। और इधर जो बॉल है ना वो धीरे धीरे फ्राई हो रहा है, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे इकट्ठे कर दूंगी ना तो अंदर तक नहीं सिक पाएगा, इसलिए मैं बीच बीच में कम कर दे रही थी, बीच में तेज़ कर रही थी, जिससे अच्छे से जो बॉल है ना वो सुनहरा हो जाए। और इधर ना अब मैं मंचूरियन का जो ग्रेवी वाला थोड़ा सा ग्रेवी बनाऊंगी, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा और पतला भी नहीं होगा, मतलब मीडियम ही रखेंगे। तो इधर ना वो बना दे रही हूँ, तो मंचूरियन इसलिए बना रही थी ना क्योंकि बच्चे मंचूरियन ज़्यादा पसंद करते हैं, और फिर जिसका बर्थडे है यानी मेरे छोटे बेटे का, उसको ना ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो होता है बच्चों का कि जो बच्चे पसंद करते हैं, वो भी आज की उम्र के बच्चे ना तो यही सब पसंद करते हैं, तो उन लोग के जिसका बर्थडे है उसके मन का बना लें। और इधर जो सब्जियां थी ना, ज़्यादा सब्जियां नहीं थी, प्याज और बीन्स और शिमला मिर्च वही था, तो इन सबको मैं इधर हल्का सा शैडो फ्राई कर रही। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सा डेकोरेशन नहीं करना है, बस थोड़ा सा जो होता है ना कि एक बर्थडे वाली फीलिंग आनी चाहिए, बस उसके हिसाब से थोड़ा सा जो भी बच्चों से हुआ उन लोगों ने कर दिया है, और आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यही है वो छोटा, हाँ कुछ इस तरह से लग रहा था। और यहाँ पर ना इन लोगों ने टीवी स्क्रीन के जो डिस्प्ले थी ना उस पर इस तरह से चला दिया, तो काफी मुझे क्रिएटिव लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग ना कमेंट, अच्छा बॉबी अब लाइट ऑन करो तो, आपको ये डेकोरेशन कैसी लगी? बिल्कुल सिंपल, सोबर सी, हल्की सी, तो मुझे जरूर बताइएगा। और डेकोरेशन हो चुका है, और अब ना ये होगा कि भाई केक वेक कटेगा, उसके बाद बहुत खड़बड़ी हो जाती है, फिर खाने में रहता है और रात भी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी वजह से ना ये एक काम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जैसे बहुत लोग करते होंगे, कोई नया नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ें करना चाहिए। तो जो भी जितना भी खाना बना है वो सब निकालने से पहले, जो खाने से पहले ना ये खाना जाएगा भगवान जी के पास, और सवेरे ना इसको उठा के फिर जो गाय होती है ना उसको दे दिया जाता है। तो ये काम ना मैं हर त्यौहार पे, बर्थडे सेलिब्रेशन हो, एनिवर्सरी हो, या जो भी इस तरह का बड़ा कुछ मतलब रहता है ना, तो उसमें ज़रूर से ज़रूर निकालती हूँ। कहते हैं कि इससे भगवान भी खुश होते हैं, पितर भी खुश होते हैं, और मतलब बहुत इस तरह से माना जाता है, तो इसलिए मैं निकाल देती हूँ। और बहुत से घरों में तो रोज़ ही निकलता है,
तो ख़ास तौर पे मैं इस तरह से कर देती हूँ। और अभी पूड़ियाँ निकालना बाकी है और इसके साथ एक गिलास पानी, मतलब अगर आप किसी को खाना दे रहे हैं तो साथ में पानी भी तो चाहिए ना, तो वही मैं गिलास देख रही थी कि कहाँ है। और कभी कभी ना चीज़ें सामने होती हैं ना फिर भी नहीं दिखाई पड़ती, तो बस इसमें पूड़ी निकालना बाकी है। सची ये देखो देखो, तो फाइनली डेकोरेशन ये चीज़ है और अभी ना सब तैयारी में लगे हैं जितनी जल्दी हो सके बस केक काट ले। अच्छा बच्चों में होता भी है कि उन्हें कुछ और भी कुछ नहीं चाहिए, बस केक काटने की जल्दी रहती है। तो इसके उसी ना इसे बिना ये बहुत ज़्यादा जल्दी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कितनी जल्दी हो सके जल्दी से कट कर ले बस, और बाकी कुछ करें ना करें। खाना बन चुका है और जो है चलते हैं केक कट करने के लिए। और मैं ना बस ऐसे ही परेशान हुई सुबह से, बच्चे की माना ऐसे ही होती है। चलते हैं मोबाइल से किया हुआ चलो भाई। तो मैं सभी का आशीर्वाद लेते हुए अभी केक काटने के लिए परेशान है और इसको मैं कह रही हूँ कि रुक जा भाई, पहले थोड़ी सी आरती तो कर ले। लेकिन इसको एक्साइटमेंट होता है ना बच्चों में, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, तो बस इनकी आरती हो जा रही है जो दादी इनकी कर रही हैं और साथ में बड़े पापा हैं। और हमारे यहाँ ना जितने भी बच्चे होते हैं सबका बर्थडे केक बड़े पापा ही कटवाते हैं। तो बस सब सब थक चुके हैं, खाना पीना भी हो चुका है, अब चलते हैं सोने के लिए। और आपका ब्लॉग यहीं पर मैं बंद करती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई नई चीज़ों के साथ। और अभी टाइम बज रहे हैं 11:10, तो फ़िलहाल अब बस करते हैं, ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा।